अष्टम दीपोत्सव पाई अयोध्यारे जोरदार तैयारी। ए वर्ष 25 लाख दीपालोक झलसिब श्रीराम नगरी। रामलाला प्राण प्रतिष्ठा पर मनाजीव प्रथम दीपोत्सव। सारा अवधपुरी आलोक लेजर सोरे झलसिब। दीपोत्सव पाई उत्सव मुखर अयोध्या नगरी लागिगला। भक्त और देश विदेश आसीथिबा पर्यटकों गहड़ी। रंगीन आलोकमाळारे झलसुची अवधपुरीर रास्ता घाट। सरजू नदी तटरे दीप सजाइबा काम भी आरंभ हो सारी। सेपटे भव्य आरती पाई भी चली रिहर्सल। चलित बर्षर दीपोत्सव अनेक दृष्टि खास। जदि यह अष्टम दीपोत्सव तेरे भगवान रामलाला प्राण प्रतिष्ठा पर प्रथम थर पर श्रीरामनगरी में पालन होगा दीपोत्सव। तेणु एथर एक उत्सव को भव्य और दिव्य बनाइबा को समस्त प्रचेषा करिछंती योगी सरकार। प्रयागराज जिला प्रशासन भी पूरा जोर लगाई एथर दीपोत्सव को स्मरणीय करने लगे। जो वॉलंटियर्स हैं लगातार उसमें कर रहे हैं और 15 लाख से ऊपर दियो को वो बिछा चुके हैं और बाकी जो दिए हैं वो भी आज शाम कल सुबह तक कल दोपहर तक वो लोग उसको व्यवस्थापित कर देंगे और बाकी हमारे कलाकारों का लेजर साउंड शो ड्रोन शो इन सब का जो प्रस्तुतिकरण होना है इस चीज़ के लिए भी ट्रायल जो है वो टीम वहाँ पे लगातार कर रही है। जो VVIPs को लेकर जो तैयारियाँ हैं वो भी हम लगातार उस पर देख रहे हैं। कुल मिला के हमारा जो दीपोत्सव है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव है तो निश्चित रूप से जो तैयारियाँ हैं वो भव्य रहेंगी। गत वर्ष सप्तम दीपोत्सव में 22,23,000 दीप जलाजा सह बनी गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रेकर्ड। ए वर्ष गत थर रेकर्ड भांगी नुआ रेकर्ड प्रतिष्ठापाई चली योजना। चलित बर्ष 25 लाख रु अधिक दीप प्रज्वलित प्राय 28 लाख दीप सजा जाऊँगी। ए वर्ष अधिक दीप जला जा स्थान नियंत पड़ पांचटी स्थान में सामूहिक दीप जला। एस दीपगुड़िकर आकार छोट रखा जेउथिरे 30 मिलीलिटर तेल धरिबो। अवध विश्वविद्यालय समेत राज्यर विभिन्न महाविद्यालय और विश्वविद्यालयर छात्र छात्री स्वेच्छासेवी भावे दीप सजाइबा कामरे लागिछंती। सोमवार ठारु दीप सजाइबा काम सरजू तटरे आरंभ हो सारिछि। मंगलवार संध्या सुधा सबु दीप सजा काम संपूर्ण करा लक्ष्य रखा जाइछि। एक अटेम्प्ट होगा जिसमें 1100 से ज्यादा लोग एक साथ सजीव आरती करेंगे और दूसरा जो हमारा रेगुलर जो हर साल होता है वही अटेम्प्ट है DO का अटेम्प्ट लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ ऑयल लैंप। और इस बार का टारगेट है 25 लाख दिए तो टारगेट के हिसाब से हमें कुछ 28 लाख दिए बिछाने पड़ेंगे। हाँ हम लोग भी काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि मेरा तो फर्स्ट ईयर है तो अब काफ़ी सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। बस बहुत ज़्यादा 500 साल बाद हमारे रामलला आए रामलला के रहने में दीपोत्सव होगा हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और काफ़ी उत्साह है हम लोग के अंदर। हम यहाँ दीपोत्सव में पार्टिसिपेट करने आए हैं तो हमारी ड्यूटी सुबह 10 बजे से शाम 6-7 बजे तक रहेगी। बहुत उत्साह है यहाँ पे इन लोग के साथ पार्टिसिपेट करना इसमें योगदान देना दीपोत्सव में अच्छा लग रहा है आस्था है लोगों की हमारी भी। दीपोत्सव चलित वर्ष आउ एक विश्व रेकर्ड करा जिबा को भी लक्ष्य रखा जाइछि। एहि दिन सरजू तटरे 1100 महिला एका सांगरे आरती करिवे जहां पूर्वरु केबे केउठारे होई नाही सेथिपई एबेठारु रिहर्सल चलिछि। ता सहित ए वर्ष आरती पई सरजू कूल में नुआ घाट निर्माण करा जाइछि। हम लोगों के लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अयोध्या की महिलाओं को ये इतना बड़ा सौभाग्य मिला इतना सामूहिक रूप से आरती करने का और इसमें इससे ज़्यादा हम लोगों के लिए अयोध्या वासियों के लिए खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है इतना अच्छा लग रहा है कि बयां नहीं कर सकते। ज्यों गूंगो मीठे रस को मन को रस अंतर मन ही भावे अवगत गत कच कात ना आवे। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। विगत 3 वर्षों से हम तो सम्मिलित हो रहे हैं दीपोत्सव में और हर बार कुछ नया देखने को मिलता है हर बार कुछ नया होता है। अयोध्या नगरी तो लक्ष लक्ष दीप आलुअरे झलसिब। एथिसह श्रीराम जन्मभूमि निर्मित भव्य मंदिर दीपावली स्मरणीय होगा जा। परिवेश प्रदूषण को दृष्टि रे रखि रामलाला मंदिर रे स्वतंत्र प्रकार रो दीप प्रज्वलित करा जिवो जहाद्वारा मंदिर भवन रे धुआं जोग कला दाग पड़िबो नाही किंबा एथिरु अधिक अंगारकाम्ल उत्सर्जन हेबो नाही। एथिसह ई स्वतंत्र दीप गुड़िक लंबा समय धरि जळिबो एथिपई समस्त प्रस्तुति को शेष स्पर्श दिया जाउछि। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर को आकर्षणीय फूल रे सजाइबा पई भी विशेष आयोजन करा जाउछि। मंदिर में फूलों की सजावट भी करेंगे प्रकाश भी करेंगे। अब चूंकि निर्माण कार्य ऊपर जा रहा है तो शायद स्वयं ही देखने में अच्छा लगेगा।
सरसों के तेल के दीपक जलाए जाएंगे, लेकिन वो सड़क पर रहेंगे कि मिट्टी के दीपक में मोम रखा हुआ है उससे दाग पड़ने की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं, वो जलाएंगे और जो कुछ होगा जैसा हमेशा होता है वैसा ही होगा। ये सब व्यतीत प्रतिवर्ष पर चलित वर्ष राम की पड़ी रे आरंभ होई लेजर एंड साउंड शो दीपोत्सवर भव्यताकु श्रद्धाळुंको पई अविस्मरणीय बनाइबा पई श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट मंदिरकु 29 अक्टोबर 1 नवंबर जाए राति 12टा जाए बाहर दर्शन देबा पई खुला रखिबाकु निष्पत्ति नेछि। एबे अपेक्षा 30 अक्टोबर अर्थात बुधवार संध्या समयकु संध्या आळती सह 25 लक्षरु अधिक दीपर आलोकरे झलसिव श्रीराम नगरी। ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।